जी, बाकू पहुंचते ही मेरे साथ एक बहुत ही बैड सीन हुआ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुई और मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैं अपने वीलॉग के लिए वो प्रोसेस दिखाना चाह रही थी कि अगर आप ऑन अराइवल वीजा लेंगे तो आपको कौन सी लाइन में लगकर वो फॉर्म फिल करना है। तो ये बताते बताते मुझसे इमिग्रेशन का वो एरिया कैप्चर हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। और फिर क्या था, सिक्योरिटी गार्ड आया और मुझे कैमरा समेत लाइन से निकाल कर ले गया। उस वक्त मैं काफी डर गई थी कि कहीं मेरा कैमरा ही ना रख लें, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ वो वीडियो डिलीट किया और मुझे मेरा कैमरा वापस कर दिया। ये है इनकी टैक्सीज। तो ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं 5 डेज। हमने बुकिंग करवा ली थी, ट्रक हमने खुद प्लान किया, जगह हमने खुद प्लान किया और हमने ड्राइवर और कार करवा दी थी। एंड तो हम आए हैं सबसे पहले याशिन बाज़ार, क्योंकि हम लोगों की फ्लाइट थी सुबह 7:10 की। तो हम लोग यहाँ पर लैंड कर गए थे 10 तक, और जो है 10 के बाद अब इतनी जल्दी अर्ली चेक इन तो होता नहीं था। तो सबसे पहले हमारा ड्राइवर हमें लेकर आ गया है इस मार्केट में, दिस इज याशल बाज़ार। एंड याशल मीन्स ग्रीन, तो से ये देखिए आपकी पूरी बिल्डिंग ग्रीन कलर की बन गई है। अब अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ह्यूज मार्केट, यहाँ पे आपको सब मिलेंगे स्पाइस, ड्राई फ्रूट, नट्स, मिंटी, चेक दिस, चॉकलेट यूज चॉकलेट। मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट नट्स नजर आ रहे हैं। आई थिंक दिस वन तो उन्होंने खाया, इसको ये भी वॉलेट है। लोकल अज़रबैजान। कितने व्हाइट कलर की है फ्रेश वाले everything number 1 it's tasty halwa यहाँ से हमने इतनी शॉपिंग कर ली है ना कि अहमद परेशान हो चुके हैं, कहने कि चलो बस यहाँ से भागो निकलो। आते ही सबसे ज़्यादा शॉपिंग तुमने यहाँ से कर ली है। हमने यहाँ से क्रैनबेरीज लिए हैं, बेरीज दिए हैं, रेसबेरीज दिए हैं, पीच लिए हैं, टी लिए, फॉर्म मैंने टी तो टू गुड है, और हमने यहाँ से फ्रूट टी ली और हमने पीकिंस दिए, सो गुड, बहुत ज़बरदस्त फ्रेश चीज़ें। आप ज़रा देखिए क्रैनबेरीज और रेसबेरीज की जो ये लीफ के साथ बिल्कुल फ्रेशली लीफ के साथ ये लगे हुए, सो इट्स सो गुड। और ये इनका न्यू फ्रूट है, मेरे मुझे इसका नाम नहीं समझ में आ रहा, बट दिस इज सो गुड। ये चेक करें, आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस पिक्चर। और ये आप चेक कर सकते हैं हमारे हाथ में शॉपर से भरे हुए टमेटोज और ये चिलीज देखिए आप, क्या ये बेल पेपर होती है ना पिंक, बहुत मज़े की बनती है ग्रिल करके जब इनको सॉस बनाते हैं ना। आप आ रहे हैं बाकू तो ये वाली मार्केट ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिल सकती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। जितने के एक्सपेंसिव फ्रूट बेरीज UAE में मिलते हैं ना, यहाँ पे आपको उसके हाफ प्राइस में बड़े बॉक्सेस मिल रहे हैं। सो इट्स सो गुड और इतने फ्रेश हैं
कि इनकी फ्रेशनेस इनकी लीव्स में नज़र आ रही है, बिल्कुल ग्रीन लीव्स के साथ आए हैं। इवन वॉलनट्स भी ऐसे हैं कि कवर के साथ आए हुए हैं, कवर के साथ उतार हैं। सो गुड। हाँ हमारे यहाँ पानी शानी देने के लिए हमारे पास खाने को नहीं है, खाने को तो बहुत है, पीने को नहीं है। सो लेट्स गो। एंड यहाँ की मार्केट्स कैसी होती हैं, वैसे भी पता लगाना चाहिए ना कि मार्केट्स कैसी होती हैं, बट पता नहीं मुझे यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आ रही है हर जगह। वो किस चीज़ की है आई डोंट नो, बट बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल है। मैं जिस भी होटल में एंटर हूँ, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में एंटर हूँ, एक पर्टिकुलर सी अजीब सी स्मेल है, आई डोंट नो किस चीज़ की है। तो जूसेस ट्राई करते हैं, डिफरेंट टाइप के जूसेस लग रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ह्यूज कलेक्शन मिलेगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, या एंड डिफरेंट ड्रिंक्स। कितनी बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी हुई यार ये सारी ड्रिंक्स। पानी लेने आए थे, पानी को छोड़ के सब ले लिया। चलो पानी तो लो यार। आई थिंक शायद इनकी चीज़ की वो स्मेल है या फिर इनके हॉट डॉग्स की। ये दोनों चीज़ें इनकी हर जगह आपको मिलेंगी। आइसक्रीम नारू यहाँ की, मोमी चिली चिली चिल है चिल। Yvonne, merci, who knew? Oh, are these the tasty? It's cheaper here too, four manat, which is 8 dirhams, and in the UAE it's 12. So it's like a 4 dirham. Fresh watermelon. चलो let's go. हम लेने आए थे पानी और जूस, तो ले चुके हैं। अब हम चलेंगे किसी दूसरी जगह। यहाँ पे आपको जगह जगह डोनर की बड़ी शॉप्स मिलेंगी और उनकी प्राइसेस भी जो है वो चीप होंगे। यहाँ पे लोग बहुत ट्रेंडी यहाँ पे। रोड्स इतने मजे के बने हुए हैं ऊपर नीचे, मुझे तो इतना मजा आ रहा है ना इनकी रोड्स में। जॉर्जिया में भी पता है ऐसे ही रोड्स थे, इसलिए वहाँ पर ड्राइविंग भी मुश्किल थी। छोटी छोटी सी गलियाँ, कभी ऊपर कभी नीचे।